हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये तो सीबीएसई के कोर्स में नहीं है, लेकिन आईआईटी में से क्वेश्चन आता है, इससे पढ़ा रहे। देखिए क्या होता है ट्रिपल प्रोडक्ट। ए बी सी अगर तीन वेक्टर हो तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ए क्रॉस ब्रैकेट में बी क्रॉस सी होता है इक्वल टू ए डॉट सी मल्टीप्लाइड बाई बी माइनस ए डॉट बी मल्टीप्लाइड बाई सी। देखिए ये 1 2 3 यहाँ लिखते हैं 1 2 3, तो यहाँ हो जाता है 1 3 2, यानी ए के बाद सी आ जाता है और यहाँ फिर 1 2 3 हो जाता है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए ये वेक्टर है, ये वेक्टर है चूँकि ये डॉट प्रोडक्ट का स्केलर रहेगा, ये भी स्केलर रहेगा, तो वेक्टर में स्केलर से गुणा करेगा तो ये वेक्टर रहेगा, ये भी वेक्टर रहेगा, तो इसका प्रोडक्ट क्या हुआ, वेक्टर हुआ, समझ गए। चलिए अब इसका प्रूफ करते हैं, प्रूफ करते हैं। अगर इसको लिखे आर के बराबर लिख दें ए क्रॉस बी को, ए क्रॉस बी क्रॉस सी आर के बराबर हो तो ये क्या होगा, ये जब आर के बराबर होगा तो ये इन दोनों पर परपेंडिकुलर होगा, ये वेक्टर हुआ और इसका प्रोडक्ट जो निकलेगा जो इसका परपेंडिकुलर है बी क्रॉस सी का, देखिए ये हो गया बी ये सी, बी सी पर क्या होगा, ये परपेंडिकुलर बी से सी की तरफ जाइए परपेंडिकुलर होगा, तो ये परपेंडिकुलर ये हुआ, इसका क्या मैग्नीट्यूड परपेंडिकुलर हुआ और ये हुआ, तो ये जो परपेंडिकुलर पर परपेंडिकुलर होगा ये, और ये क्या ए पर परपेंडिकुलर हो जाएगा, समझ गए ना, क्योंकि इसका क्या निकलता है, ये निकलता है बी क्रॉस सी इंटू एन कैप, इसका डायरेक्शन ऊपर में हुआ, तो ये अब इसको सब बदल देगा, ये आ गया उसके बदले में, तो अब इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर होगा, ये ए पर भी होगा और इसके ऊपर बी क्रॉस सी पर परपेंडिकुलर, बी क्रॉस सी के परपेंडिकुलर पर परपेंडिकुलर होगा। अब देखिए इसको समझिए, ये कैसे होगा, इधर से समझाते हैं। देखिए ये हो गया, ये ऐसे परपेंडिकुलर हुआ, ये क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर हुआ और इस पर ये परपेंडिकुलर होगा, कौन होगा, ये परपेंडिकुलर, ये हो गया इस पर, ये हो गया इस पर परपेंडिकुलर, तो क्या हो गया, ये इसके प्लेन में आ गया, ये इसके प्लेन में आ गया ना, ये परपेंडिकुलर पर परपेंडिकुलर इसके प्लेन में आ गया। अब देखिए ये हो गया इसके प्लेन में आया, और ए जो है, ए जो वेक्टर ए है, वेक्टर ए कहीं और होगा, ऐसे ऐसे कैसे होगा, ऐसे होगा या इसी के प्लेन में होगा, इसके प्लेन में होगा तो कोई बात नहीं, इसके प्लेन में होगा तो ये 90 डिग्री ऐसे बना लेगा और ये बनाएगा ऐसे, तो हो गया 90 डिग्री ऐसे, ये बना ली 90, अगर नई प्लेन में होगा तो कोई बात नहीं, ये ऐसे होगा, मान ली कहीं ऐसे होगा और ये हो गया ऐसे, तो ये हो गया ये और ये हो गया इसके प्लेन में, तो ये इसके साथ 90 बना लिया, समझ गए ना, तो ये हो गया ये इसके साथ ये 90 बनाया, जो ये परपेंडिकुलर है ये और इसके साथ ये बना लिया। ठीक है, चलिए तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं कि R इज परपेंडिकुलर, R इज परपेंडिकुलर ऑन परपेंडिकुलर ऑफ पर R इज परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर ऑफ B एंड C, B और C का जो परपेंडिकुलर हो सो परपेंडिकुलर हुआ, इसका मतलब क्या है, R उसके प्लेन में आ गया एंड होगा परपेंडिकुलर ऑन A, इसका मतलब क्या, इट मीन्स R is in plane of B and C, बी एंड सी, समझ गए ना, बस ठीक है, जब ये समझ गए कोई अच्छी बात है। अब देखिए अब क्या हो, ये आर हो गया बी और सी के प्लेन में, तो आर को हम लिख सकते हैं, आर के बराबर लिख सकते हैं एक्स इंटू बी प्लस वाई के लीनियर कंपोनेंट में, लीनियर कम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं इसको, ये जानते हैं कि बता दें, ठीक है बता देते हैं, ये भी
देखिए थ्री वेक्टर नॉन जीरो वेक्टर और नॉन पैरेलल वेक्टर, नॉन कोलिनियर और जीरो वेक्टर नहीं हो, नॉन जीरो और नॉन कोलिनियर या पैरेलल नहीं हो वेक्टर, तो जानते हैं। और ये आर मान लीजिए इस ये तीनों प्लेन में हो, ये हो गया बी, ये हो गया सी, तीनों वेक्टर क्या है आर, ये नॉन जीरो है, नॉन कोलिनियर मतलब एक लाइन के ऊपर कोई नहीं है, तो नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर। तो ए सी क्या है, इसका मैग्नीट्यूड हुआ, अगर ओ मान लें, इसको पी माने, इसको क्यू माने, इसको एस माने, तो ओ ओ एस की लंबाई क्या हो गया, ओ ओ एस बराबर क्या हो जाएगा बी, और ओ पी बराबर क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड हो जाएगा सी, हो गया ना। तो अगर यहाँ से पैरेलल कर लें, यहाँ खींच लें इधर, और यहाँ से इसको पैरेलल खींच लें, तो क्या हो गया, ये लंबाई इससे कम है, तो हम इसको लिख सकते हैं ना एक्स, इसको लिख सकते हैं वाई सी, यहाँ वाई लिखे तो इसे वाई सी लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं एक्स, ये हो गया वाई सी, इसको लिखेंगे एक्स बी, लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं इसके, ये मान लें एम है, ये के है, तो ओके बराबर अब क्या हो जाएगा, ओके बराबर हो गया एक्स बी, और ओ सी सॉरी ओ एम बराबर हो गया वाई सी, हो गया मैग्नीट्यूड ये हो गया। तो अब देखिए ये इसको की तो ये वेक्टर से अब हम जोड़ेंगे तो क्या हो गया, ये ओ ओ ओ क्यू बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ओ क्यू बराबर क्या लिखेंगे ओ एम प्लस एम क्यू ट्रायंगल लॉ से, तो ओ क्यू क्या है, ओ क्यू आर है, आर वेक्टर हो गया, ओ एम क्या हो गया, ओ एम हो गया वाई सी, ओ एम क्या हो गया वाई वाई सी इंटू वाई सी, ये हो गया, ये हो गया ना वाई का एक कम कर टुकड़ा हो गया ये वाई सी, और ये क्या हो गया एक्स एक्स बी, ठीक है, ये सी का हो गया, इसका हो गया एक्स बी, और इसका हो गया वाई सी, तो लीनियर कंपोनेंट रूप में लिख दीजिए इसको, उसको समझा दिया क्यों हुआ, क्योंकि ये दोनों प्लेन में है और नन नन जीरो है, नन कोलिनियर है, तो ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कोई छोटा आ रहा है या बड़ा आ रहा था कुछ भी रहता, तो उससे हम पैरेललोग्राम बनाए, तो हम देखते हैं कि इतने से काम चल जाता आर के लिए, तो यानी ये और इसका सम हुआ, वेक्टोरियल सम हुआ, आर आर क्या हुआ, इसका वेक्टोरियल सम हुआ, तो ये हो गया वाई सी, ये वाई सी हो गया, और ये एक्स वी हो गया। चलिए अब लिख दीजिए, इसको मिटा देते हैं, अब देखिए अब हम क्या करते हैं, इसको टिपो डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, आर का लेते हैं ए से डॉट इधर गुना कर देते हैं, तो क्या होगा एक्स इंटू बी डॉट ए हो जाएगा इधर भी, और प्लस हो जाएगा वाई इंटू सी डॉट ए, बोथ साइड कर दिए, ये क्या है आर डॉट ए क्या है, आर जो है परपेंडिकुलर है ए पर, इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा जीरो होगा, कॉस थीटा होगा ना, कॉस 90 हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो ये हो गया जीरो, तो जीरो हो गया, तो एक्स इसको बी डॉट ए लिखिए, ये हो गया वाई सी सी डॉट ए, सी डॉट इधर ले आइए, इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर ले आए एक्स बी डॉट ए माइनस हो गया, ये हो गया वाई सी डॉट ए, हो गया ना। अब देखिए इसको लिख सकते हैं एक्स, एक्स को क्या लिख सकते हैं एक्स बटे सी डॉट ए लिख सकते हैं, अब वाई बटे क्या लिखेंगे बी डॉट ए, इसके बराबर के लेते हैं, लेट के मान लिए, तो अब एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर माइनस के इंटू हो गया सी डॉट ए, अब वाई बराबर क्या हो गया k इंटू बी डॉट ए, ठीक है, अब x y का मान यहाँ देते हैं, वैल्यू देते हैं,
तो एक्स वाई का वैल्यू देंगे तो क्या हो गया, एक है एक्स का वैल्यू दे देंगे, ये किसे लिखा गया देखिए कैसा गलती लिखा गया था यहाँ, हाँ ठीक है। तो अब यहाँ यहाँ एक्स भी है वाई सी है, यहाँ एक्स भी गलती से लिखा गया था, ये यहाँ तो यहाँ गुना हुआ ही है, ठीक है यहाँ तो ठीक था। अब यहाँ देंगे इस वैल्यू, इसमें देंगे, अब एक्स का यहाँ है इसको तो मल्टीप्लाई किए हैं तो ये इसमें तो है ही, तो यहाँ आर का वैल्यू देंगे तो क्या हो जाएगा, आर बराबर एक्स, एक्स क्या हो गया माइनस के सी डॉट ए, और ये क्या हो गया प्लस के बी डॉट ए हो गया ना। अब आर के बदले हम लिख देंगे क्या ए क्रॉस बी क्रॉस सी बराबर हो गया के माइनस के सी ए प्लस के बी डॉट ए। अच्छा ये इक्वेशन जो है एक ए बी और सी के लिए किसी वैल्यू के लिए ट्रू है, तो किसी वैल्यू के लिए ट्रू है तो ए के बराबर आई मान लेते हैं इस वेक्टर के बदले, बी के बराबर आई लेते हैं इस वेक्टर के बदले, और सी के बदले लेते हैं जे, और इसमें मान फुट कर देते हैं वैल्यू देते हैं। तो अब वैल्यू देंगे तो क्या होगा, आई के बदले हो गया आई, ए के बदले आई हो गया, बी के बदले क्या होगा ये भी आई हो गया, क्रॉस सी के बदले क्या हो गया जे हो गया ना। अब देखिए यहाँ माइनस के हो गया, इसमें सी के बदले क्या होगा जे, ए के बदले आई, देखिए इसमें छूट गया है नहीं छूटा नहीं, ये हो गया यहाँ गलत नहीं लिखा है, ये लिखाएगा एक्स बी प्लस वाई सी, ठीक है ना। तो यहाँ हो गया एक्स बी वाई, तो एक्स के बदले हम लिए तो यहाँ हो जाएगा बी, होगा ना, ये एक्स के बदले में ये मान यहाँ एक्स के बदले में बी का मान दिए, तो ये हो गया माइनस के सी डॉट ए, ये होगा के, अब हो गया बी डॉट ए, ठीक है। तो अब देखिए ये आ गया, अब हम के हो गया, के तो बाहर ले लिए यहाँ, के बाहर निकालिए तो आई जे के बदले हम क्या देंगे, यहाँ सी डॉट ए हो गया, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी आ गया, तो एक्स नहीं था आज का। अब देखिए एक्स के बदले में क्या हो गया, एक्स के बदले माइनस के सी ए, और ये हो गया बी, यही छूट रहा था, ये बी हुआ, एक्स के बदले माइनस के सी ए बी हो गया, वाई के बदले क्या हो गया के बी डॉट ए, ठीक है, ये हो गया सी सी हुआ। अब हम के बाहर ले लिए, के बाहर ले लिए तो क्या हो गया माइनस सी ए बी, अब क्या हो गया बी ए सी, बी ए सी हो गया। अब हम इसका क्या करेंगे, अब देखिए ये इक्वेशन क्या हो गया ए क्रॉस बी क्रॉस सी हो गया, आर तो इसी के बदले में इसके बदले ये लिख दिए। अब देखिए ये इक्वेशन जो है ए बी सी वेक्टर के लिए किसी मतलब वैल्यू के लिए ट्रू है, तो ए के बदले अगर हम लिख दें यहाँ, ए के बदले लिख देते आई, बी के बदले में भी आई लिख देते हैं, जे के बदले में के लिख देते हैं, तो अब यहाँ दोनों तरफ मान देंगे उसे के निकाल लेंगे, तो ए के बदले में आई लिख दिए यहाँ, क्रॉस हो गया आई, बी के बदले में आई और सी के बदले में जे, ठीक है, यहाँ के हो गया, अब माइनस हो गया, अब यहाँ सी के बदले में क्या हो गया जे डॉट आई,
जे डॉट आई, वी के बदले में क्या हो गया, आई हो गया। यहाँ देखिए बी के बदले में आई, ए के बदले में आई, ये हो गया सी के बदले में जे, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ पर क्या होगा, ये आई हो गया, आई क्रॉस जे क्या होता है, के होता है, जानते हैं। ये आई अगर हुआ, ये जे हुआ, ये के हुआ, तो आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे के होता है, आई क्रॉस के हो गया, तो आई इसके बदले हम के लिख दिए। अब इधर क्या लिखेंगे, ये के से कंफ्यूज मत करिएगा, ये के है, ये के तो कांस्टेंट है, तो ये के हो गया ये। अब ये जे डॉट आई क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, ये जीरो हो जाएगा, तो ये हो गया जीरो, क्योंकि ये जीरो हो गया तो ये टोटल जीरो हो गया। और आई आई क्या हो जाता है, डॉट प्रोडक्ट में वन हो गया, तो ये हो गया जे। तो क्या आ गया इधर, के बराबर क्या आ गया, के इंटू जे आ गया। और इधर क्या है, आ गया आई इंटू के, अब क्या हो जाएगा, आई इंटू के क्या हो जाएगा, माइनस जे हो जाएगा, इधर से उल्टा चलेंगे तो क्या हो गया, माइनस जे, तो ये कट गया, तो के बराबर कितना आ गया, माइनस वन आ गया। अब इसमें पुट कर देंगे, इसमें पुट करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, यानी अब क्या होगा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी बराबर क्या हो गया, यहाँ क्या है, के आया है, तो यहाँ माइनस वन दे दिए, माइनस वन इंटू क्या हो जाएगा, सी डॉट ए बी मल्टीप्लाई बाई बी, यहाँ क्या हो जाएगा, के बदले माइनस वन हो जाएगा, माइनस, तो यहाँ हो जाएगा बी डॉट ए पी डॉट ए मल्टीप्लाई बाई सी। तो ये हो गया, क्या हो गया, यहाँ माइनस हो गया तो ये उधर चला जाएगा, ये सॉरी के तो बाहर ना था जी, वो के यहाँ बाहर रखे थे, तो ये माइनस घुसेगा इसमें, ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, के यहाँ बाहर में रखे थे तो माइनस वन देंगे तो ये हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा माइनस, तो माइनस वन घुसाए तो ये है माइनस ऑलरेडी, तो ये हो गया आपको सी डॉट ए बी, ठीक है। और ये क्या हो गया, माइनस हो गया, माइनस क्या हो गया, बी डॉट ए सी, ठीक है। अब माइनस को देखिए, इसको ए सी पलट लेते हैं, इसको यहाँ लिखते हैं, तो सी को हम लिख सकते हैं ए डॉट सी, क्योंकि कम्यूटेटिव होता है ये बी, ये क्या हो जाए, इसको लिख सकते हैं ए डॉट बी, ए डॉट बी ये सी हो गया, समझ गए, इसको सी को ए सी कर लीजिए और बी को ए बी करिए, देखिए आ गया वहाँ ए सी मल्टीप्लाइड बाई बी, ए डॉट बी मल्टीप्लाइड बाई सी, प्रूफ हो गया। चलिए बस अब थोड़ा सा है, दो मिनट का, देखिए हम अभी क्या निकालें, अगर बी क्रॉस सी अक्रॉस ए लिखें, हमको ये निकालें हैं उल्टा देते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे, माइनस ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ठीक है। अब इसको क्या लिखेंगे, माइनस ए क्रॉस बी क्रॉस सी के बदले में ये दे सकते हैं ए डॉट सी मल्टीप्लाइड बाई बी, माइनस हो गया ए डॉट बी मल्टीप्लाइड बाई सी, समझ गए ना। अब ये उल्टा कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, ए डॉट बी प्लस हो जाएगा सी, और बराबर ये क्या हो जाएगा, माइनस ए डॉट सी बी। तो ये अगर ये किए तो ये उलट गया, तो उसी तरह अगर हम कर लेंगे ए क्रॉस बी, हम करें ए क्रॉस बी तो हम ये जान रहे हैं, अब हम करते हैं ये ए क्रॉस बी इंटू सी,
अब क्या होगा, ये हो गया फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। अब क्या निकालते हैं इसको, फर्स्ट वन टू थ्री होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वन हो गया ए, थ्री हो गया सी, ये हो गया बी, हो गया ना, ए क्रॉस बी क्या हो गया, ये हो गया, हैं ये हुआ ना। तो अब हम देखिए, ये तो हम हाँ इसको उल्टा करते हैं एक। अब हमको करना है कि इसको निकालना है, देखिए हमको निकालना है ए क्रॉस बी क्रॉस सी। अब इसको उलट देंगे तो क्या हो जाएगा, ये बी क्रॉस सी आ जाएगा, ये आ जाएगा ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो ए क्रॉस हमको सॉरी बी क्रॉस सी को हम लिख सकते हैं ए, इसको लिखेंगे उलट के ए, ये तो निकाल बे कि इस वाले को। चलिए ये हो गया। अब देखिए इसको वही फार्मूलाज करते हैं, इसको वन मंथ है, इसको टू मंथ है, इसको थ्री मंथ है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वन वन में क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, थ्री में क्या आएगा, सी आएगा, सी आ गया ना, ए वन हुआ, सी हो गया थ्री। अब आएगा यहाँ दो बी, ये वन टू थ्री हुआ तो वन थ्री टू होता ही है, तो वन थ्री टू आ गया, 132 हो गया। अब यहाँ क्या हो गया, यहाँ क्या, फिर वन टू हो जाएगा, तो ए डॉट बी हो जाएगा, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई सी। ठीक है, अब देखिए ए क्रॉस बी का क्या गया आपको, ए डॉट सी मल्टीप्लाई बाय बी माइनस हो गया ए डॉट बी, ये सी हो गया। तो देखिए ए क्रॉस बी में क्या गया, यहाँ क्या था ए सी बी, तो ठीक ही आ गया, यहाँ क्या आ जाता है, रुकिए। तो देखिए ए क्रॉस बी क्रॉस सी का क्या है, माइनस यहाँ उसको उल्टा कर दिए, तो ये सी इधर चला गया, ये उधर गया। अब इसको फार्मूला तोड़िए, वन टू थ्री से तोड़ लिए, तो ये आया, ये आया ना, ये वन टू थ्री, तो वन थ्री टू हो गया, ये हो गया वन टू थ्री, उससे तोड़े तो ये आया। तो देखिए ए क्रॉस बी का क्या आता है, ए डॉट सी मल्टीप्लाइड बाई बी माइनस ए डॉट बी मल्टीप्लाइड बाई सी, यहाँ क्या आता है ए डॉट सी मल्टीप्लाइड बी माइनस क्या आ जाता है बी डॉट सी, यानी ये दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों क्या है नॉट इक्वल, यानी ये और ये, इसको ऐसे लिख देते हैं ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज नॉट इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या कहते हैं एसोसिएटिव नहीं है, हो गया ख़त्म। तो ये इसका एक फार्मूला ये रखिए याद, ए क्रॉस बी क्रॉस सी बराबर ये, और ए क्रॉस बी क्रॉस सी बराबर ये, बस। ओके, थैंक यू।